नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष अग्रवाल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करूंगा कि उसका क्या प्रोग्रेस है और अभी किस स्टेज पे डेवलपमेंट चल रहा है। इमेजिन करेंगे, अगर मान लो कुछ ऐसी मशीन बन जाए जो कि छोटी सी मशीन हो, जस्ट लाइक किडनी अपने शरीर में फिट हो जाए और वो अपने खून को फिल्टर करे और फिल्टर करके यूरिन बनाए और वो ब्लैडर से अटैच कर दी जाए और वह ऑपरेशन के द्वारा उसको लगा दिया जाए और किसी भी प्रकार के डोनर की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी ट्रांसप्लांट के बाद दवाई भी ना लेना पड़े, कोई इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन ना लेना पड़े, तो कितना अच्छा हो। जब चाहे किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर का पेशेंट जाके वो ऑपरेशन करवा लें और ज़्यादा रिस्क भी ना हो, तो फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ डेवलपमेंट ऐसे चल रहे हैं, हालाँकि यह जो रिसर्च है काफ़ी सालों से, मतलब कुछ कई, मतलब एक दो दशकों से चल रही है, बट फिर भी इसमें कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस हो रहा है। तो ऐसा ही यूएस में, अमेरिका में दो साइंटिस्ट हैं, वो मिलकर एक आर्टिफिशियल किडनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसमें दे आर ट्राइंग टू क्रिएट आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो रहेगी किडनी की तरह रहेगी और उसको जैसा कि ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में जैसे किडनी लेके जो पेशेंट होते हैं उसकी खून की नसों से जोड़ दिया जाता है, वैसे ही आर्टिफिशियल किडनी को भी खून की नसों से जोड़ दिया जाएगा। उसमें एक आर्टरी होगी जो खून को उस आर्टिफिशियल किडनी में लेके जाएगी और एक वेन होगी जो खून को उस आर्टिफिशियल किडनी से बाहर लेके जाएगा, ब्लड को, और उसको शरीर में जहाँ पर किडनी लगाई जाती है नाभि के राइट साइड में, वैसे ही आर्टिफिशियल किडनी को लगा दिया जाएगा और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन बनेगा उसको यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा संभव हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और आप इस टाइप की किडनी ऑन द शेल्फ अवेलेबल होगी, जब चाहें आप जाके ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और कोई दवा लेने की भी जरूरत ना पड़े, कोई खून पतला करने की दवा भी ना लेनी पड़े। तो यह बहुत ही अच्छा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक बून या एक वरदान साबित होगा। तो आर्टिफिशियल किडनी में जो रिसर्च चल रही है उसमें अभी या प्री क्लिनिकल स्टेज तक ही, इसमें पिग में एक बहुत छोटा मॉडल बनाकर उनको टेस्ट किया हुआ है और इसमें एक क्लिनिकल मॉडल तैयार करने में अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट अभी 4-5 साल और लगेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यह फंडिंग अगर प्रॉपरली टाइम पे अवेलेबल होती है और रिसर्च सही डायरेक्शन में चलती है तो हो सकता है तो आर्टिफिशियल किडनी हमें भविष्य में देखने को मिल सके। आर्टिफिशियल किडनी में बेसिकली इन साइंटिस्ट के हिसाब से दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है हीमोफिल्टर कंपार्टमेंट जिसमें ब्लड आता है और ब्लड फिल्टर होके एक वाटरी एक्सट्रैक्ट बनाता है और एक दूसरा बायोरिएक्टर कंपोनेंट होता है जिसमें ये जो वाटरी एक्सट्रैक्ट होता है इसमें से जो ज़रूरत का जो सामान होता है जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वह एब्जॉर्ब होके वापस बॉडी में चला जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह एक्सक्रीट होके यूरिन में चले जाते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट होते हैं और इन कंपोनेंट को डेवलप करने में सेमीकंडक्टर वेफर्स का यूज किया जाता है। जो हीमोफिल्टर कंपोनेंट है उसके लिए सेमीकंडक्टर वेफर्स का यूज किया जा रहा है जिसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इनको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि जो इतनी बड़ी डायलिसिस मशीन का काम है वह एक छोटा सा फिल्टर कर सके और जो जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसके लिए किडनी की कल्चर्ड सेल्स को यूज किया जा रहा है और कल्चर्ड सेल्स को इस तरीके से यूज किया जा रहा है ताकि जो शरीर की इम्यूनिटी है उस पर रिएक्ट ना कर सके। तो इस पर डेवलपमेंट अभी भी प्री क्लिनिकल स्टेज पे है, मतलब अभी पिक्स पे ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये अभी बहुत ही प्रोटोटाइप मॉडल में डेवलप हुआ है, बट अगर प्रोग्रेस ऐसी ही चलती रही तो हो सकता है भविष्य में हमें एक बायो आर्टिफिशियल किडनी भी देखने को मिल सके। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और भगवान ने उसको ऐसा बनाया हुआ है कि वह अगर सुचारू रूप से काम करती है तो एक ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम करती है, बट सेम चीज़ को रिप्लिकेट करके बाहर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम के लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा, काफ़ी पैसे भी लगेंगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो आगे टाइम ही बताएगा, बट डेफिनेटली इस बारे में रिसर्च चल रही है। अगर बहुत अच्छा रहा तो फ्यूचर में हो सकता है मैं ऑन द शेल्फ आर्टिफिशियल किडनी देखने को मिले। धन्यवाद।